हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के आपको प्रीवियस वीडियोस हैं वो आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज हम लोग जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का विनिमय। तो गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने थोड़ा बहुत आपको पहले वाले वीडियोस में बता रखा है, आपको मैंने एल्वियोलाई के बारे में बता रखा है, आपको मैंने प्रेशर के बारे में बता रखा है, लंग्स में किस टाइप से O2 अंदर आती है, CO2 है वो आउट होती है, ठीक है। तो हल्का फुल्का हम लोग डिस्कशन है वो करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। हम जो आज बात करेंगे वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब किस टाइप से O2 और CO2 लंग्स तक तो पहुंच गए, लेकिन लंग्स के बाद में हम जो टिश्यूज के साथ में जो इसका ट्रांसपोर्ट सिस्टम रहता है उसकी हम लोग बात है वो आज करेंगे। आज हम लोग बात करें कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस है उसमें एल्वियोलाई है वो क्या है, मेन साइट है गैस एक्सचेंज की। ध्यान में है अपने को कि अपने जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पढ़ते हैं वो सारे के सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वो सिर्फ एक पाथ का, एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का काम कर रहे हैं, वो एक्सचेंज का काम नहीं कर रहे। एक्सचेंज का काम करने वाली क्या है, सिर्फ यहाँ कूपिका है। उसके बाद हम बात करें कि कूपिकाओं के द्वारा जो गैसेज एक्सचेंज हो रही है वो किसके माध्यम से हो रही थी, सिंपल डिफ्यूजन, साधारण विसरण के द्वारा, ठीक है। गैसेज है वो विसरण के थ्रू एक झिल्ली से दूसरी झिल्ली में चली जाती है, ठीक है। अब विसरण में हम लोग बात करें कि हमेशा जो कंसंट्रेशन की बात करें, ठीक है, आगे मैंने लिखा है ग्रेडियंट बेस्ड, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, हम कंसंट्रेशन की बात करें तो कंसंट्रेशन की बात में हम हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गैस का क्या होता है, परिवहन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। उसके बाद में हम यदि बात करें कि प्रेशर की है तो प्रेशर में भी वही सेम रूल रहेगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग बात करते हुए यहाँ पे हम लोगों ने, यहाँ पे मैंने आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एल्वियोली की बना रखी है मेम्ब्रेन और एक बना रखी है कैपिलरीज की, ठीक है। जो मैंने कहा था कि कूपिकाओं के ऊपर एक घना जाल पाया जाता है, वो जाल किसका होता है, धमनियों और शिराओं का मिक्सअप। अब धमनियों और शिरा है वो आपस में जाके जहाँ में मिक्स हो रही है उन मिक्स होने वाली जगह को क्या बोलते हैं, कैपिलरी, हिंदी में बोलते हैं केशिकाएं, ठीक है। तो यहाँ कैपिलरीज पाई जा रही है और यहाँ पे क्या पाई जा रही है, यहाँ कूपिका पाई जा रही है। अब ये जो कैपिलरीज है इसमें RBC प्रेजेंट है, ठीक है। तो RBC में हमें ध्यान में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे हम लोग जो है ना कूपिका की बात करें तो कूपिका की और यहाँ कैपिलरी की दोनों की क्या है, दो दो मेम्ब्रेन्स है, ठीक है, जिसके द्वारा इजीली लिखा हुआ आपको डिफ्यूजन ऑफ O2 और डिफ्यूजन ऑफ CO2, ठीक है। आराम से यहाँ से क्या हो जाएगा, O2 का और CO2 का आदान प्रदान हो जाएगा। और वही है कि केशिकाओं और कूपिकाओं के बीच में ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान है, वही क्या कहलाता है, गैसों का विनिमय कहलाता है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें यहाँ पे जो है ये क्या है, एल्वियोलर एपिथेलियल वॉल। एपिथेलियल का मतलब मैंने आपको बताया हुआ, जो बाहर वाली वॉल रहेगी, ठीक है। उसके बाद में इसके बाद एपिथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन जो इसका बेस क्रिएट कर रही है, क्या क्रिएट कर रही है, बेस क्रिएट कर रही है। देन इधर कैपिलरीज की बात करें तो कैपिलरीज में RBC होती है, ठीक है, और यहाँ पे इस साइड की होगी वो कैपिलरी एंडोथीलियम, उधर एपिथीलियम है, इस साइड एंडोथीलियम है, बाकी आपको नाम याद करने में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद में यहाँ पे जो बाहर वाली साइड में बनाई है वो क्या है, कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो इस टाइप से आपको ये चार मेम्ब्रेन्स याद रखनी है और इनके बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल स्पेस, ठीक है। तो आपको इस टाइप से ये पांच नाम यहाँ ध्यान में रखना है। उसके बाद में हम लोग यदि है ना RBC की बात करें, ठीक है, कि RBC में किस टाइप से O2 है वो घुलेगी और किस टाइप से CO2 है वो घुलेगी। अब हमें ध्यान में है कि O2 है, ठीक है, यहाँ से O2 के मॉलिक्यूल्स इधर आ रहे हैं, ठीक है, रक्त में आ रहे हैं, तो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या होता है, यहाँ किस फॉर्म में होगा, HB की फॉर्म में, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन है वो HP की फॉर्म में और ऑक्सीजन है वो किस फॉर्म में होता है, O2 की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि एक हीमोग्लोबिन है वो चार ऑक्सीजन के अणुओं का परिवहन करता है, कितने अणुओं का परिवहन करेगा, चार। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ HP+4O2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन होगा वो HbO2 4, ठीक है।
तो ये क्या कहलाएगा यहाँ पे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन यहाँ से हार्ट में होते हुए पूरी बॉडी में फ्लो हो जाएगा, ठीक है। अब जहाँ हम यदि कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, तो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जब शरीर से बाहर आती है तो वो CO2 के फॉर्म में 8 से 10% और 80 के लगभग परसेंटेज रहता है वो कार्बनिक अम्ल बाइकार्बोनेट वगैरह का, ठीक है। उसके अलावा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के थ्रू वो कहाँ तक पहुँचती है, कुपिकाओं तक, और कुपिकाओं से वो एक्सेल है वो बाहर हो जाएगी। अब हम यदि बात करें कि ये वाली आपको मेम्ब्रेन सब अच्छे से समझ में आ गई, अब किस टाइप से प्रेशर है वो इस पर इसको प्रभावित कर। यहाँ ये क्या है, कुपिका, ठीक है, एल्वोलाई ये, और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग इंस्पायर्ड एयर और एक्सपायर्ड एयर, ये हमें डायग्राम अच्छे से समझ में आया है तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो ऊपर की साइड में हमने लंग्स बना दिया और नीचे की साइड में क्या बने हुए हैं, बॉडी टिश्यूज बने हुए हैं। अब लंग्स और बॉडी टिश्यूज के बीच में किस टाइप से एक्सचेंज हो रहा है जो गैसेस का, ठीक है, तो उसकी स्टडी हम लोग आज कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो ब्लड के दोनों साइड में बनाए हुए हैं, दिख रहे हैं आपको, एक सर्किल ऊपर की साइड में और एक सर्किल नीचे की साइड में, ठीक है। तो हम लोग इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका अपन डीपली स्टडी है वो अपन हाइट वाले चैप्टर में करेंगे, जहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लंग्स के साइड में रहेगा, एक सर्कुलेशन ये है और एक सर्कुलेशन नीचे वाली साइड में, ठीक है, जो ब्लड बॉडी टिश्यूज का रहेगा। अब यहाँ पे ना जो कुपिका है और बॉडी टिश्यूज है, इनके बीच में जो प्रेशर ग्रेडियंट देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, जो पार्शियल प्रेशर, ठीक है, पार्शियल वर्ड इसलिए यूज़ किया हुआ है कि गैसेस का मिक्सअप है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब गैसेस में मैं बोलूँ कि ऑक्सीजन भी पाई जा रही है, गैसेस में CO2 भी पाई जा रही है, गैसेस में नाइट्रोजन भी पाई जा रही है, गैसेस में जल वाष्प, हीलियम आदि बहुत सारी चीज़ें हैं वो ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को मतलब पर्टिकुलरली किसकी स्टडी करनी है, ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की, इसलिए इनके आगे क्या लगा दिया मैंने, शॉर्ट पी, दिख रहा है आपको, ठीक है। इसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, जो आंशिक दाब होता है हिंदी में, ठीक है। तो ये पार्शियल प्रेशर है वो डिनोट करेगा। अब यहाँ पे यदि कुपिका का पार्शियल प्रेशर है वो क्या है, 104, O2 का क्या है, 104 है, ठीक है। और यहाँ पे सेल में क्या है, जस्ट 95, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि गैसेस का जो एक्सचेंज है वो किस साइड से किस साइड होगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यहाँ पे हाई है और यहाँ पे लो है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑक्सीजन है वो कहाँ आनी है, अंदर, ठीक है। उसी के बाद में हम लोग यदि CO2 की बात करें, तो CO2 में जो बॉडी टिश्यूज हैं उनका कितना है, 40 mm ऑफ HG, mm ऑफ HG की फुल फॉर्म होती है मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है, HG है वो मर्करी को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे 45 है और यहाँ पे कितना है, 40, तो ये एक्सचेंज कहाँ से कहाँ तक होगा, इस टाइप से बाहर की तरफ, ठीक है। और बीच में हम लोग यदि लंग्स की बात करें, ठीक है, तो लंग्स किस टाइप से ब्लड को लेके आने का लेके जाने का काम करता है, ये डिस्कस आप लोगों ने 8th और 10th क्लास में भी कर रखा है, मैं हल्का सा यहाँ पे आपको वापस बता देती हूँ। ये हाइट है, ठीक है, हाइट है वो 4 chambered स्ट्रक्चर होती है, जिसमें 2 arteries प्रेजेंट होती है और 2 ventricles है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 जो आलिंद हैं और ये 2 नीले हैं, अब इन दोनों आलिंदों को राइट और लेफ्ट लिख देंगे, ठीक है। उसी टाइप से नीले को भी मैंने क्या लिख दिया, लेफ्ट और राइट और लेफ्ट लिख दिया, ठीक है। अब हमेशा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाने का काम किसका होता है, शिरा का, महाशिरा का, और चाहे तो हम लोग बोलें सिस्टेमिक वेंस का, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहाँ बॉडी टिश्यू से कलेक्ट करेगी और ले जाके किस में डाल देगी, दाएं आलिंद में, राइट आलिंद में, ठीक है। यहाँ से ब्लड फ्लो होके नीले में आएगा, ठीक है, फिर ये यहाँ से ब्लड को कहाँ लेके जाएंगे, लंग्स के पास में, कहाँ लेके जाएंगे, लंग्स में, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान में रखना कि यहाँ पे जो वेन था, मतलब जो शिरा थी, ठीक है, अशुद्ध रक्त को हमारे शरीर में घुमाने का काम है वो किसका है, शिराओं का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये एक्सेप्शन के फॉर्म में, अपवाद के रूप में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ जो शिरा है क्या क्या हो जाएगी, धमनी, यहाँ जो शिरा है क्या क्या हो जाएगी, धमनी हो जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से आप ध्यान में रखना, तो यहाँ पे ये जो है ये क्या है, फुफ्फुस, ये धमनी,
क्या है, महाशिरा थी जो शुद्ध रक्त लेके जा रही थी, ब्लड में डाल या हार्ट में डाल दिया। हार्ट ने अपने निलय को देखे, निलय से जब फुफ्फुस में भेज रहे हैं, जब फेफड़ों में भेज रहे हैं, तो उस टाइम क्या होगी, फुफ्फुस या धमनी काम आएगी। ठीक है, ये CO2 को लेके गई, इन्होंने क्या किया, CO2 को कलेक्ट कर लिया और O2 को इनको दे दिया। अब O2 को देने के बाद में जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन थे वो किसके पास में आए, या लेफ्ट लेफ्ट एलिन के पास में, और लेफ्ट एलिन से ये किस में आए, निलय में। ठीक है, अब निलय से होते हुए ये ना वापस जो क्या बोलते हैं इसको, एरोटा बोल दो, चाहे सिस्टमिक आर्टरीज बोल दो, चाहे महाधमनी बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, तो उसके थ्रू अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड होकर क्या करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में फ्लो कर देगी। तो इस टाइप से हमारा जो आज का टॉपिक था वो था एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो किस टाइप से हमारी बॉडी में और लंग्स में और एटमोसफियर में वो चेंजेस हो रही हैं। ठीक है, तो आप लोग आई होप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, अच्छे से घर पे रहिए, पढ़ाई कीजिए, आपको ट्वेल्थ में अच्छी स्कोरिंग करनी है तो अभी से आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से डीपली पढ़ना पड़ेगा हर एक टॉपिक को। और आपके पास में फुल टाइम हो रहा है, कोई ट्यूशंस का बर्डन नहीं है, कोई स्कूल का बर्डन नहीं है, टीचर की डांट का बर्डन नहीं है, आपको कोई ऐसे नहीं है कि आपको सिलेबस है वो अभी के अभी पढ़ना पड़ेगा, दो घंटे की क्लास लगी है आपको उतना ही जाके रिविज़न करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग भी आप पे ज़्यादा कोई प्रेशर अभी दे नहीं रहे, अभी सिर्फ है कि ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट की हम लोग क्लास ले रहे हैं, तो उसको आप बहुत अच्छे से पढ़िए। ठीक है, जितनी स्टडी मटेरियल आपको जहाँ पे भी प्रोवाइड हो, ठीक है, तो वहाँ से आप इसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बुक्स वगैरह है वो सब आपको प्रोवाइड हो जाएगी जब लॉकडाउन खुलेगा। ठीक है, तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पर सुरक्षित रहिए। थैंक यू।